आज की वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे साइंस यानी कि निशानियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई साइकिक एबिलिटी यानी कि अलौकिक शक्ति जरूर छुपी हुई है। अगर आप भी एक आम इंसान की तरह मरना नहीं चाहते हो और अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकालना चाहते हो और उनके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक से आपने इस वीडियो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एपिसोड्स यानी कि पार्ट नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन नंबर 15, ओवर एक्टिव अमिगडाला। अमिगडाला जो है वो आपके दिमाग का एक ऐसा पार्ट है जो कि एक इंसान के इमोशंस को काबू में करता है। जिस भी इंसान का अमिगडाला जितना ज्यादा एक्टिव होगा वो उतना ज्यादा ही इमोशनल होगा। यही वजह है कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा खड़ूस होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा भावुक। साइकिक लोगों का जो अमिगडाला होता है वो कई बार जरूरत से ज्यादा सक्रिय यानी कि ओवर एक्टिव होता है। यही वजह है कि क्यों वो लोग बहुत ही आसानी से दूसरों के मन की बात और उनके दिल की बात बहुत ही आसानी से पता लगा लेते हैं। साइन नंबर 14, अक्सर रात को 3 बजे आपकी नींद टूट जाती है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि रोजाना हर रोज ठीक रात 3 बजे आपकी नींद जो है वो टूट जाती है और आप जाग कर पूरे तरीके से अलर्ट हो जाते हो तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि अगर हर रोज आपके साथ ऐसा होता है कि रात को डेली ठीक 3 बजे आपकी नींद टूट जाया करती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो छुपी हुई अलौकिक शक्तियां है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती जा रही है और बाहर आना चाहती है। ऐसा भी माना जाता है कि रात के 3 बजे मौत और जिंदगी के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और शैतान और बुरी आत्मा जैसी चीजें जो है वो आप पर अपना प्रभाव डालना चाहती है, इसलिए आपका शरीर आपको उठाकर जगा देता है। साइन नंबर 13, आपने साइनेस्थीसिया को अनुभव किया है। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसे हम साइनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसमें होता क्या है कि आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में उलट पुलट जाते हैं यानी कि मिक्स होकर मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आमतौर पर आप आवाज़ों को सुन सकते हो लेकिन साइनेस्थीसिया में आप आवाज़ों को देख भी सकते हो और कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आप रंगों को देखने के बजाय उन्हें टेस्ट कर सकते हो यानी कि चख सकते हो। सुनने में ये बहुत ही अजीबोगरीब सी बात लग रही होगी लेकिन जिन भी लोगों के अंदर अलौकिक शक्तियां छुपी होती है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम यानी कि जिंदगी में एक ना एक बार साइनेस्थीसिया को जरूर अनुभव करते हैं। साइन नंबर 12, आप हर एक चीज के बीच में पैटर्न ढूंढ लेते हो। जिन भी लोगों के अंदर अलौकिक शक्तियां छुपी होती है वो बिना ज्यादा नोटिस किए हुए हर एक छोटी से छोटी चीज के अंदर पैटर्न ढूंढ लेते हैं जो कि एक आम इंसान मिस कर देता है। अगर आप भी 2 ऐसी चीजों के बीच में जिनके बीच में आसमान और जमीन का फर्क होता है कोई पैटर्न ढूंढ या फिर देख पाते हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई साइकिक एबिलिटी जरूर छुपी है। साइन नंबर 11, मौसम में होने वाले बदलाव आपको पहले से ही पता लग जाते हैं। जिन भी लोगों का 6th सेंस जो है वो सक्रिय होता है वो बहुत ही आसानी से मौसम में आने वाले बदलाव जैसे कि तापमान, ह्यूमिडिटी और बारिश कब होने वाली है, इन सब चीज़ों का उन्हें पहले से ही अपनी गट फीलिंग्स के द्वारा अंदाजा लग जाता है। कई सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि जो साइकिक लोग होते हैं उन्हें भूकंप कब आने वाला है इस बात का भी अंदाजा हो जाता है। ये सेंसरी नर्वस सिस्टम के हाई होने की निशानियों में से एक है, तो अगर आपके अंदर भी ये शक्ति है तो ये बात तो कन्फर्म है कि आप एक साइकिक हो। साइन नंबर 10, आपने स्लीप पैरालिसिस को अनुभव किया है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा डरावना एक्सपीरियंस है जिसे आए दिन हजारों लोग अनुभव करते रहते हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान होता क्या है कि एक इंसान की नींद जो है वो टूट जाती है लेकिन जागे हुए होने के बावजूद भी वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा होना बिल्कुल ही आम बात है लेकिन ये साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से भी एक है, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे आसपास जो बुरी आत्माएं और जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वही ऐसा करती है सोते समय और एक साइकिक का शरीर जो है वो अलर्ट हो जाता है और खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है। साइन नंबर 9, आप दूसरों के विचारों को काबू में करना जानते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट करना जानते हो और आप बहुत ही आसानी से उनसे अपने मन की बात मनवा लेते हो तो ये भी साइकिक एबिलिटी जैसे कि हिप्नोटाइज कर पाने की शक्ति को दर्शाता है। हर एक इंसान का दिमाग जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है लेकिन जो साइकिक लोग होते हैं वो बहुत ही आसानी से दूसरों के विचारों को काबू में करना जानते हैं और वो उन्हें बदलने की भी शक्ति रखते हैं। साइन नंबर 8, कई बार आपको भ्रम हो जाता है।
हेलुसिनेट करना यानी कि ऐसी चीजों को देखना, सुनना और महसूस करना जो कि असल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करती हो, सिर्फ एक भ्रम यानी कि छलावा है। ये कम नींद लेने की वजह और उल्टी फुल्टी दवाइयों और नशा करने की वजह से भी हो सकता है, और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पागलपन की निशानियों में से भी एक है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हो और ना ही किसी प्रकार की कोई दवाई खाते हो और पूरी नींद भी लेते हो, और अगर आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो लेकिन इसके बावजूद भी आप हेलुसिनेट करते हो, तो ये साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक हो सकता है। और ये कोई भ्रम नहीं बल्कि आने वाले भविष्य या फिर बीते हुए अतीत की एक झलक भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको बिना किसी भी मेंटल इशू के अजीबोगरीब चीजें दिखाई और सुनाई देती है और कई बार महसूस भी होती है, तो ये साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक हो सकता है। साइन नंबर 7, आपको बार बार 11:11 दिखाई देता रहता है। 11:11 यानी कि 11:11 जो है, इसे एक स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है और इसे ब्रह्मांड के द्वारा भेजा गया एक संकेत माना जाता है। ये ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की आपके साथ बातचीत करने की एक भाषा होती है और इसे लकी नंबर भी माना जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप घड़ी की सुई को देखते हो तब आपको बार बार 11:11 यानी कि 11:11 दिखाई देता रहता है, तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है और इसका ये मतलब है कि ये ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत देना चाहता है और आप चुने गए हुए लोगों में से एक हो। साइन नंबर 6, आप बार बार फ्लो स्टेट में जाते रहते हो। फ्लो स्टेट जो है वो एक इंसान के दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें एक इंसान ऐसी चीजों को कर बैठता है जिसे करने के बाद उसे खुद भी इस बात का यकीन नहीं होता है कि इस चीज को उसी ने किया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने के लिए बैठे हो और उस काम को करते करते कब घंटे बीत गए हो आपको इस बात का पता ही न चला हो, तो इसे ही हम बोलते हैं फ्लो स्टेट। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग और स्पोर्ट्स प्लेयर जैसे कि फुटबॉलर और क्रिकेटर लोग आए दिन फ्लो स्टेट में जाते रहते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी फ्लो स्टेट में गए हो, तो ये साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। साइन नंबर 5, आपने प्लेसिबो इफेक्ट को अनुभव किया है। प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जो कि पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर तक को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से बिना किसी भी दवा को लिए हुए ठीक कर सकते हो। प्लेसिबो इफेक्ट का ये कहना है कि जैसा आप खुद के बारे में अंदर से मान यानी कि यकीन कर लोगे, आप असलियत में भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जाओगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने दिमाग की शक्ति की मदद से अपने शरीर में जैसे चाहे वैसे बदलाव ला पाते हो या फिर खुद को हील कर पाते हो, तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। साइन नंबर 4, आपको चीजों में चेहरे नजर आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अलग अलग चीजों जैसे कि बादलों में और किसी की परछाई में आपको कोई पैटर्न या फिर चेहरा नजर आता है, तो ये साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक हो सकता है। आप कहोगे कि ऐसा होना तो बिल्कुल ही आम बात है, लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे जीवों के द्वारा भेजे गए कोई संकेत हो जो कि दूसरे डायमेंशन में रहते हो। साइन नंबर 3, आपको मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा महसूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो कई सारे लोगों को महसूस होती है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जरूरत से ज्यादा महसूस होती है और आप इस पर भी अपना प्रभाव डाल पाते हो, तो ये साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। साइन नंबर 2, आपको अजीबोगरीब सी रोशनी नजर आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी जब आपकी आंखें खुली हुई होती है तब आपको चमकीली सी लाइट या फिर कोई रोशनी नजर आती है अचानक से, तो आपके आंखों के रेटिनल प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक साइकिक हो तो ये एक साइकिक विजन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप चीजों से निकलने वाली एक चमकीली लाइट यानी कि ऑरा को देख पाते हो जो कि एक साइकिक एबिलिटी है। साइन नंबर 1, चंद्र या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान आपको अजीब सा महसूस होता है। जिस तरह से सूरज की किरणें लाखों किलोमीटर दूर से भी हम पर अपना प्रभाव डालती हैं और मौसम के बदलने से हमारा मूड भी बदल जाता है, उसी तरीके से चंद्र और सूर्य ग्रहण जो है वो भी हम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आम लोगों को तो ये महसूस नहीं होता है, लेकिन जो साइकिक लोग होते हैं उन्हें ये बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। तो अगर आप भी चंद्र या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान एक बहुत ही अजीब और भारी सी एनर्जी को खुद में महसूस करते हो, तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि इनमें से कौन कौन सी निशानियां आप में मौजूद है, और अगर अभी तक से आपने इस वीडियो के बाकी सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन सभी एपिसोड्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।